हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका मूवीज़ इन चैनल में। आज हम बात करने वाले ड्रैगन बॉल जी के एपिसोड 99 के बारे में। अभी तक आपने अगर इसके 98 एपिसोड्स नहीं देखे हैं, जो कि आई बटन पे एज इट इज आपको मिल जाते हैं, जाके उस चीज का मजा उठाओ, इस वीडियो को कंटिन्यू करो। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने अगर इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दो, साथ ही साथ इस वीडियो को पूरा देखो और आपका एक फेवरेट मोमेंट कमेंट डाउन भी कर देना। तो चलिए देखते हैं ड्रैगन बॉल जी एपिसोड 99। तो दोस्तों, अब तक हमने इस एपिसोड में देखा है जहाँ पर इस नेमेक प्लैनेट का कोर तबाह हो रहा है और अब कुछ ही मिनट बचे हैं इस प्लैनेट को खत्म होने में, जहाँ पर फ्रीजा अपनी पावर लेवल पूरी तरह से 100% कर रहा है और करने के बाद वो सीधा ही हावी पड़ जाता है गोकू के ऊपर, जहाँ वो गोकू से लड़ रहा है। और इधर हमें याद आता है कि किंग खाई ने बताया था आखिरकार कि भाई उसकी पावर लेवल इतनी ज्यादा होने मत देना, क्योंकि उसके बाद तुम उसे नहीं हरा पाओगे। तो अब क्या ये बात सच होने वाली है? तभी हम देख रहे हैं कि फ्रीजा कंटिन्यूअस मारे जा रहा है गोकू को, जहाँ पर गोकू वहाँ से भागता भी है जो कि बचने की कोशिश करता है। लेकिन जब आखिरी बार फ्रीजा उसके ऊपर अटैक करता है, तब हमें गोकू की ट्रू पावर लेवल देखने को मिलती है, जो कि अब बन चुका है एक सुपर सैयन, जहाँ पर वो आगे देखता है और अब वो फ्रीजा को मारने वाला है। तो इसी नोट पे इस एपिसोड की शुरुआत भी होती है। अब हम देख रहे हैं प्लैनेट नेमेक तबाह होते जा रहा है, जो कि धीरे धीरे करके जमीन फाड़ रहा है और अंदर का लावा बाहर आ रहा है। तभी हम बाहर से प्लैनेट को देखते हैं, जहाँ पर दरारें गिरते जा रही है। तभी हम देखते हैं गोकू और फ्रीजा को, जो कि एक दूसरे के सामने खड़े हैं। तभी फ्रीजा कहता है कि अब किसका इंतजार है, आ जाओ लड़ते हैं। तभी हम देखते हैं कि लावा अंदर से बाहर आता है, जो कि पहले इन दोनों के बीच में आता है, फिर गोकू के ऊपर आता है, तो गोकू गायब हो जाता है। अब फ्रीजा उसे मारने के लिए आगे भागता है, तो फ्रीजा फिर से गायब होता है और गोकू भी गायब हो रहा है। जहाँ पर फ्रीजा मारने जाता है गोकू को, तो गोकू वहाँ से गायब होकर किसी दूसरी छोर पर ही आ जाता है। तभी फ्रीजा उसे देखकर कहता है कि वाकई में तुम्हारी पावर लेवल बहुत अच्छी हो चुकी है, लेकिन इतनी नहीं कि मैं तुम्हें नहीं हरा पाऊंगा, मैं तुम्हें हराऊंगा और मैं यहाँ पर जिंदा रहूंगा। तभी ये लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं और हम देखते हैं किंग काई को, जहाँ किंग काई बहुत ज्यादा टेंशन में है और ये लोग पूछ रहे हैं कि आखिरकार उनके साथ क्या हुआ, किंग काई हमें तो बताओ। जहाँ किंग काई कहते हैं कि इस तरह से काम नहीं होने वाला, जो गोकू सोच रहा है ना वो भी नहीं होने वाला, क्योंकि अभी टाइम इनके पास रहा ही नहीं है, जो कि हाथ से छूटते हुए जा रहा है। तभी किंग काई को आवाज आती है कामे की, जहाँ कामे कहता है कि सातवां ड्रैगन बॉल भी ढूंढ लिया है मिस्टर पोपो ने, तो आपकी क्या विश है, हम क्या विश करें, जहाँ पर हम ला सकते हैं यामचा और टियान को वापिस, सिर्फ चात्सु को नहीं ला सकते, क्योंकि इसके पहले चात्सु की विश मांग ली गई थी, चात्सु जिंदा हो गया था, इस वजह से चात्सु नहीं आएगा। तभी चात्सु उदास हो चुका है, जहाँ टियान कहता है कि मैं भी नहीं जा रहा हूँ चात्सु, तुम्हें फिकर करने की कोई जरूरत नहीं है। और तभी टियान भी कह देता है कि मैं भी नहीं जा रहा हूँ। तभी ये दोनों एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं कि तुम्हारे लिए तो नीचे बुलमा है, तुम्हें तो जाना ही होगा। जहाँ पर ये लोग कहते हैं कि नहीं, वो नहीं जा रहा है तो मैं भी नहीं जाऊंगा। जहाँ पर किंग काई को आइडिया आता है कि कामे अगर हम ऐसी विश करें तो कि फ्रीजा ने जिन जिन को मारा वो वापिस आ जाए तो। जहाँ कामे कहता है कि हाँ ये पॉसिबल तो है, जहाँ पर ये सारे लोग जिंदा हो जाएंगे, लेकिन एक डेढ़ साल वाले ही जिंदा होंगे, उसके पहले मर गए वो नहीं जिंदा होने वाले। जहाँ किंग काई कहते हैं कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर ऐसा किया तो कि भाई हम लोगों ने विश भी मांग ली और वेजिटा भी जिंदा हो गया तो। जहाँ पर कामे कहता है कि ये केस रेयर है कि बाकी प्लैनेट्स के लोग जिंदा हो सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा और ये वर्क तो करना चाहिए। जहाँ पर किंग काई कहते हैं कि वेजिटा ने जिन जिन लोगों को मारा वो भी जिंदा हो सकते हैं। जहाँ कामे कहता है कि ये तो मुश्किल है, फिर भी ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ऐसे पहले कुछ सिनेरियो तो हमारे सामने आया नहीं है कि ऐसी विश हमने मांग ली हो, लेकिन ठीक है वेजिटा तो वापिस आ ही सकता है। जहाँ पर किंग काई थोड़ा सा सोचते हैं और कहते हैं कि हाँ मेरी एक विश है। जहाँ पर कामे कहते हैं हाँ मैं सुन रहा हूँ, कि बस आप बोलो फ्रीजा ने जो जिन जिन लोगों को मारा है उनको वापिस ला लिया जाए। जहाँ किंग काई कहते हैं कि होप सो ये वर्क हो जाए। अब हम देखते हैं बुलमा और गुहान को, जहाँ पर ये उड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ पर बुलमा कहती है कि अरे यार और कितना टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा मुझे डर लग रहा है, अभी मुझे जल्दी जाना है। जहाँ पर गुहान कहता है कि थोड़ा शांति रखो और थोड़ा अच्छी बातें भी सोचा करो। जहाँ पर बुलमा कहती है अच्छी बातें, मेरे पीछे डायनासोर पड़ गए थे, मैं मरने के कगार पर पहुंच गई थी, जहाँ पर मैं घर भी नहीं जा पा रही थी, तो और कितना अच्छा सोचूं। तभी इन लोगों के सामने आ जाती है शिप, जहाँ पर गुहान कहता है कि देखो अच्छी बातें ये है कि हमारी शिप अभी भी सही सलामत है। जहाँ पर बुलमा बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और वो खुश भी है। तभी ये लोग नीचे ही उतर रहे होते हैं तो धरती फटती है और धीरे धीरे करके ये जो स्पेसशिप है ये अंदर जा रही है। जहाँ पर बुलमा बहुत ज्यादा चिल्लाती है और वो कह रही है कि अब हम कैसे जाएंगे, कुछ तो करो गोहान, कुछ तो करो। तभी हम देखते हैं कि लाइटनिंग हो रही है और लावा नीचे से ऊपर आता है, जिसके बीच में फ्रीजा और गोकू खड़े हैं।
अब फ्रीजा कहता है गोकू को कि इतना टाइम क्यों लगा रहे हो, जल्दी आओ, मुझे मारो, मुझे खत्म करो, या फिर प्लैनेट नेमेक के साथ तुम भी तबाह हो जाओ। जहाँ पर फ्रीजा कहता है अरे अच्छा, वो लड़कों के लिए जाने के लिए तुम यहाँ पर रुके हुए हो ताकि उन्हें ज्यादा टाइम मिल सके, लेकिन मेरा जितना एक्सपीरियंस है, मैंने जितने प्लैनेट्स तबाह किए हैं वो हिसाब से तुम्हारे पास टाइम अभी बचा हुआ नहीं है। जहाँ पर कोई बात नहीं, उनको जाने दो, लेकिन तुम्हारे मरने के बाद मैं उन्हें ट्रेस कर लूंगा और उन्हें भी मार डालूंगा। जहाँ पर गोकू कहता है कि तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि तुम उसे मार पाओगे, तब तक तुम ही नहीं जिंदा रहे तो। जहाँ पर फ्रीजा कहता है क्या तुम क्या कहना चाह रहे हो, तुम्हें पता भी है मैं तुम्हें मारने वाला हूँ, सुन रहे हो ना, मैं तुम्हें मारने वाला हूँ, मैं तुम्हें खत्म करने वाला हूँ। और अब फ्रीजा चिल्ला कर सीधा ही आ जाता है मारने के लिए गोकू के पास। अब हम देखते हैं कि फ्रीजा ने हमला कर दिया है गोकू के ऊपर, जहाँ पर गोकू को मारता है और फिर उसके ऊपर एक ब्लास्ट भी करता है जिसको रोक देता है अपना गोकू दोनों हाथों की बदौलत। लेकिन वो जैसे ही हाथ निकालता है वैसे ही फ्रीजा उसके पीछे आ चुका है जो कि एक लेजर ब्लास्ट मारने वाला होता है। तभी गोकू उसका हाथ ब्लॉक करता है और हाथ पकड़ लेता है जो कि उसे मारता है फिर, और फिर हाथ पकड़कर उसे गोल गोल घुमाकर जहाँ पर खड्डा गिरा है वहीं पर फेंक देता है फ्रीजा को। लेकिन फ्रीजा अपने ब्लास्ट की बदौलत वापिस आ जाता है जो कि अब गोकू के सामने खड़ा है, जहाँ पर फ्रीजा उसे कहता है कि तुम हो ना एक सुपर सैयन, तो लड़के बताओ। जहाँ पर गोकू बहुत ज्यादा गुस्से में भी है। तभी हम देखते हैं कि किंग काई जो है वो एक्चुअल में बात कर रहे हैं, जो कि बात कर रहे हैं कामे से। जहाँ पर कामे कह देता है कि आपकी विश जल्दी ही पूरी होने वाली है क्योंकि यहाँ पर मिस्टर पोपो जल्दी ही आने वाले है। जहाँ आपकी विश ये है, इसका कोई रीजन जान सकता हूँ? जहाँ पर किंग काई कहते हैं कि हाँ, रीजन एकदम सिंपल है कि फ्रीजा को जिन जिन लोगों ने मारा है वो अगर जिंदा हो जाए इसका मतलब गुरु भी जिंदा हो जाएंगे, और गुरु जिंदा हो गए तो हमारे पास और एक विश रहेगी जो कि हम प्लैनेट नेमेक को बचा भी पाएंगे और वहाँ के लोगों को भी जिंदा कर पाएंगे। जहाँ पर ये लोग बहुत ज्यादा शौक में हैं, और उधर कामे भी कहता है कि हाँ आपने सही चॉइस चुनी है, लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि अगर हमने ये विश कर दी तो इस वजह से ये लोग जिंदा नहीं हो पाएंगे। जहाँ पर काय कहते हैं कि ठीक है, इनको सैक्रिफाइस तो करना ही होगा। जहाँ पर किंग काय पीछे देखते हैं और इन लोगों से कहते हैं कि तुम्हें और एक साल यहीं पर रुकना होगा। जहाँ पर ये लोग कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं, ये चीज तो हम बखूबी से करते हैं। जहाँ पर ये लोग इसका धन्यवाद करते हैं, तभी कामे कहता है कि होप सो ये सारी चीजें वर्क हो जाए तुम्हारे हिसाब से। अब हम देखते हैं प्लैनेट नेमेक को जो कि तबाह होते जा रहा है, कोर भी खत्म होते जा रहा है, लावा बाहर आ रहा है। तभी हम देखते हैं कैप्सूल के अंदर, जहाँ पर बुलमा खड़ी है जो कि अंदर जाने की कोशिश करती है, और गोहान अंदर पहुंच चुका है। जहाँ गोहान कहता है कि अभी भी लाइटें जल रही है तो देखते हैं। जहाँ पर बुलमा स्लाइड होके आ जाती है मशीन के सामने, जहाँ वो कहती है फाइनली हम मैं अंदर आ गई। जहाँ पर वो बटन दबाती है और शिप को स्टार्ट करने लगती है, तभी वो देखती है कि वहाँ पर पड़ा हुआ है पिकलो। जहाँ पर वो चिल्लाती है और कहती है कि वो तो पिकलो है ना। जहाँ पर गोहान कहता है कि हाँ मुझे पता है वो पिकलो है। जहाँ पर बुलमा कहती है कि इस शेडी पर्सन के साथ मैं यूनिवर्स में घूमना नहीं चाहूंगी, अगर ये अपने साथ आ रहा है तो मुझे तुम बाहर ही रखना, मुझे तुम काउंट मत करना। जहाँ पर गोहान कहता है कि वो अच्छा आदमी है, वो हमारे साथ आ ही रहा है। जहाँ बुलमा कहती है कि उसका ये तो प्लैनेट है ना, तो मैं नहीं चाहूंगी कि उसका प्लैनेट छोड़ के हम उसे लेके जाए। जहाँ पर गोहान कहता है कि नहीं, वो हमारे साथ आ रहा है और तुम भी कहीं नहीं जा रही हो। तभी बुलमा खड़े होने लगती है तो शिप हिलने लगती है और बुलमा नीचे सीधा ही पिकलो के सामने गिर चुकी है, जहाँ पर वो बहुत ज्यादा डरी हुई भी है। अब हम देखते हैं फ्रीजा को जो कि गोकू के सामने खड़ा है और कंटिन्यूस गायब होकर गोकू को मारने की कोशिश कर रहा है। तभी गोकू गायब होकर फ्रीजा को मारने आता है, लेकिन फ्रीजा गायब होकर पीछे से ही कंटिन्यू हमला कर देता है बहुत बड़ा, जिसको झेल लेता है अपना ये गोकू, और झेल कर उसके बीच में से ही गोकू मारने आ जाता है जो कि दोनों अपने लातों से जोर की लात मार देता है फ्रीजा को, और फ्रीजा दूर गिर रहा होता है। तभी गोकू अपना हाथ आगे कर एक ब्लास्ट कर देता है जिससे फ्रीजा नीचे जाकर गिर चुका है। जहाँ पर गोकू अभी कामेहामेहा टेक्निक करने के लिए साइड में हाथ रख कर खड़ा है, और इधर फ्रीजा स्ट्रगल कर रहा है अपने बॉडी के साथ। जहाँ गोकू ये बात कहता भी है कि इससे अभी झेला नहीं जा रहा और ये अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। तभी हम देखते हैं बुलमा को जो कि बटन दबा देती है और ये शिप नीचे जा रही है। तभी आ जाता है गोहान जो कि कहता है कि हम अभी नहीं जाएंगे, कुछ देर तो रुक जाते हैं। जहाँ पर बुलमा कहती है कि अच्छे से तुम हाथ हटा लो, अगर नहीं हटाओगे तो जोर की लात मारूंगी मैं और तुम्हें दूर फेंक दूंगी। जहाँ गोहान कहता है कि वो मेरे डैड है, मैं उन्हें कैसे छोड़ के जा सकता हूँ, तुम्हें समझना पड़ेगा बुलमा, तुम्हारे साथ अगर ऐसा होता तो। जहाँ बुलमा कहती है ठीक है, दो मिनट और रुक जाते हैं। जहाँ पर थैंक यू कहकर अब हम देखते हैं कामे को, जहाँ पर कामे कह रहा है कि अभी कुछ देर और है, जहाँ पर पोपो के पास
पास ये सारे ड्रैगन बॉल्स आ चुके हैं और कुछ ही टाइम में तुम्हारी विश पूरी हो जाएगी किंग का है। तभी हम देखते हैं मिस्टर पोपो ने आवाज दे दिया है कामे को कि मेरे पास सारे ड्रैगन बॉल आ चुके हैं तो अब मैं क्या करूं। इधर हम देखते हैं गोकू को जिसकी तरफ एक्चुअल में फ्रीजा डोले शोले और बढ़ाकर आ रहा है। तभी इधर गोकू अपने दोनों हाथों के अंदर एक एनर्जी समाता है और वो अभी मारने वाला है। तभी हम इधर देखते हैं कि पोपो ने ड्रैगन को बुला लिया है, जहाँ पर पोपो कहता है कि फ्रीजा ने जिन जिन लोगों को मारा है उनको तुम जिंदा कर दो। जहाँ ड्रैगन कहता है कि ये मुश्किल है मेरे लिए, तभी पोपो कहता है कि इसके ऊपर सारे लोगों की जिंदगी डिपेंड है तो तुम्हें कुछ करना होगा। जहाँ पर ड्रैगन कहता है कि ठीक है मैं ट्राई करता हूँ। तभी हम इधर देखते हैं किंग काय को जो कि कह रहे हैं कि गाइस कुछ देर और हम यहाँ पर अभी जीतने वाले हैं। तभी इधर फ्रीजा आ रहा है गोकू को मारने के लिए और गोकू ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया है इस एनर्जी बॉल को थ्रो करने के लिए। तो अब क्या ड्रैगन विश पूरी कर पाएगा, गोकू फ्रीजा को मार पाएगा और तब तक क्या प्लैनेट नेमेक जिंदा रह पाएगा, यही हमें जानने को देखना पड़ेगा ड्रैगन बॉल का अगला एपिसोड। तब तक कीजिए लाइक इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए। और तब तक के लिए देखते रहिए मूवीज़ इन।